हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल स्टार्ट करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की सीरीज अनुक्रम एवं समानांतर श्रेणियां ओके okay, तो ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर इलेवन है अनुक्रम एवं समानांतर श्रेणियां और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे शीघ्रता के साथ यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों से सभी से निवेदन है कि उन क्वेश्चंस को रोक करके आप पूछिएगा क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करेंगे हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट है सो फर्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम टू एन माइनस वन के पांच पद लिखना है सो सो सिंपल गाइस आपके पास पांच पद लिखने हैं तो एन की वैल्यू डालते जाइए बिकॉज ये जो होता है आपके सामने ये जो दिया रहता है दिस इज कॉल्ड अनुक्रम अनुक्रम का एनवा पद सो एन इक्वल्स टू टू एन माइनस वन सो एन की वैल्यू डालते जाइए वन टू थ्री फोर फाइव और आपके पास पांच पद इसके आते जाएंगे अगला क्वेश्चन है अनुक्रम एन इन टू एन प्लस वन के प्रथम पांच पद आपको लिखने हैं सो सिमिलरली आपको यहाँ पे एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव डाली और आपके प्रथम पांच पद आ जाएंगे नेक्स्ट फिर से अनुक्रम टू टू द पावर एन के प्रथम पांच पद तो आप यहाँ पे एन की जगह वन टू थ्री फोर फाइव डालिए तो आपके पांच पद आ जाएंगे टू टू का स्क्वायर टू की पावर थ्री टू का पावर फोर टू का पावर फाइव तो इस तरीके से ये आपके पास सीरीज बन चुकी है ओके okay? अब अगला है अनुक्रम एन अपॉन एन प्लस वन के प्रथम पांच पद सो सो सिंपल वही करना है एन की जगह एक दो तीन चार पाँच डाल लीजिए तो इस तरीके से आपके पास सीरीज बन रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अनुक्रम टू एन माइनस थ्री अपॉन सिक्स के प्रथम पांच पद तो एन की वैल्यू फिर से वन टू थ्री फोर फाइव डालिए और आपके पास प्रथम पांच पद आ जाएंगे बच्चों मैं आपको बता दूं ये जो दिया रहता है ना इसे बोलते हैं जनरल टर्म व्यापक पद है ना सामान्य पद तो ये जो हुआ करता है इसको हम ए एन भी बोलते हैं सो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एन इक्वल टू टू एन माइनस थ्री अपॉन सिक्स इसी को टी एन भी बोला जाता है टू एन माइनस थ्री अपॉन सिक्स सो सिंपल गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं अगला है अनुक्रम माइनस वन की पावर एन माइनस वन थ्री टू द पावर एन प्लस वन के प्रथम पांच पद लिखने ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट सो सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव डालिए और आपके पांच पद आते जाएंगे ये वर्कशीट आपको क्लास के बाद आपको मैं दे दूंगा आ, क्लास के बाद आपको मैं वर्कशीट आपके अकाउंट पे डाल दूंगा तो आप लोग इसको ले लीजिएगा फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप पे थ्री एन प्लस फोर के लिए ए सेवन ज्ञात कीजिए तो देखिए अनुक्रम दिया गया है ए एन दिया गया है तो एन की जगह पे सेवन रख दोगे तो थ्री इन टू सेवन प्लस फोर आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम एन स्क्वायर प्लस एन के लिए ए टेन मतलब यहां पे एन की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको टेन पुट करनी है तो आप ए टेन निकाल लेंगे एन की जगह पे टेन पुट कर दीजिए तो डन क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया एट हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन अनुक्रम माइनस वन की पावर एन एन की पावर थ्री के लिए A9, तो n की पे क्या पुट कर दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा प्रथम पांच पद लिखो चलो भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया है कह रहा है एन का मान एक से ज्यादा है तो सबसे पहले एन का मान दो रख दो एन के लिए किससे स्टार्ट करो टू से स्टार्ट करो तो देखो आपके पास जो n का टर्म दिया गया है वो ये दिया गया है तो यहाँ से a2 टू फाइंड करो तो a2 टू इक्वल टू थ्री ए एन माइनस वन एन माइनस वन मतलब कि टू माइनस वन प्लस का टू तो क्या आ जाएगा a2 टू इक्वल टू थ्री ए वन क्योंकि दो में से एक गए एक प्लस टू तो लियो भैया थ्री ए वन ए वन कितना है आपके पास में थ्री थ्री इंटू थ्री प्लस टू तो नाइन प्लस टू यानी कि कितना आ गया इलेवन तो पहला टर्म आपके पास दो दूसरा टर्म आया वो क्या आया इलेवन आया है देन इसके बाद एन की वैल्यू थ्री डाल दोगे तो ये आ जाएगा सॉरी एन की वैल्यू थ्री डालेंगे ना ए थ्री एग्जैक्टली तो पहला टर्म मेरे पास दूसरा टर्म मेरे पास इलेवन आ गया वाह तीसरा टर्म भी इलेवन आ रहा है इस तरीके से वैल्यू रखते जाइए और आपके पास सीरीज आ जाएगी अब इसके पहला संगत श्रेणी ज्ञात करो देखो भैया प्रथम पांच पद लिखो और क्या कह रहा है संगत श्रेणी ज्ञात करो श्रेणी का मतलब क्या होता है अगर आप पदों को जोड़ करके लिख दें तो उस व्यवस्था को श्रेणी बोलते हैं तो ये आपके पास पद आ चुके हैं तीन ग्यारह पैंतीस एक सौ सात तीन, तीन सौ तेईस इनको भाई साहब जोड़ करके लिख दो तो ये बन जाती है श्रेणी चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं ए वन दिया है टू ए टू दिया है टू और ए एन इक्वल टू एन माइनस वन माइनस वन जहां एन की वैल्यू टू से बड़ी है मतलब एन की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप एन की वैल्यू थ्री फोर फाइव तो सबसे पहले एन की वैल्यू थ्री पर फाइंड कर लो तो एन की वैल्यू थ्री पर फाइंड करोगे तो कितना आएगा ए टू माइनस वन चलो मैं निकाल देता हूं देखो क्या दिया आपको ए एन इक्वल टू दिया है ए एन माइनस वन और माइनस का वन जिस क्वेश्चन से आपको समझ में ना आए आप वहां मेरे को रोक करके बोलिएगा कि सर वो क्वेश्चन जो है आप मुझे दोबारा रिपीट करिए तो मैं वहां से आपको दोबारा बताऊंगा ठीक है ना तो ए एन यदि आपके पास में है तो यहां पर आपके पास में <coughs> तो एन की वैल्यू सबसे पहले थ्री बोली है। मैंने तो ए थ्री इक्वल टू ए थ्री माइनस वन मतलब ए टू और माइनस का वन अब आप भाई साहब आपको ए टू की वैल्यू टू है तो कितना आ जाएगा टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन तो आपके पास ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई इसी तरीके से ए फोर ए फाइव निकाल लीजिए और सबको श्रेणी के फॉर्म में लिखना है तो श्रेणी के लिए क्या करते हैं पदों को जोड़ करके लिख दो बस बन गया अगला अनुक्रम टू एन माइनस वन के प्रथम दस पदों का योगफल ज्ञात करना है तो भाई साहब पहले आपने क्या ले रखी है सीरीज ले रखी है ये ऐसा जो लिखा रहता है ये ए एन रहता है इसके अंदर का जो पद होता है ना ए एन रहता है सो ए एन इक्वल्स टू टू एन माइनस वन है और एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डालते जाइए और आपको सीरीज मिल जाएगी क्या कह रहा है प्रथम दस पदों का योग ज्ञात करना है यस तो प्रथम दस पदों का योग ये देखिए जो पद आपके निकलेंगे किस तरीके से निकलेंगे टू एन माइनस वन मतलब टू वन जा टू और माइनस वन यानी कि वन के बाद थ्री फिर फाइव फिर सेवन फिर नाइनटीन अब क्या करो इसका योग करने के लिए अभी मान के चलो आपको यदि कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो एक बार सीरीज को सीधा लिखो और एक बार सीरीज को उल्टा लिखो तो <coughs> सीरीज को सीधा लिखा तो एक से लेके उन्नीस तक उल्टा लिखने पर उन्नीस से लेके एक तक दोनों को जोड़ दिया तो एस प्लस एस कितना हो गया टू एस उन्नीस प्लस एक बीस तीन प्लस सत्रह बीस तो बीस कितने बार आ रहा है बीस आ रहा है दस बार ओके तो 20 आ रहा है कितने बार में 10 बार में तो इसका हल करोगे तो आप अपने तरीकों से निकाल सकते हो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने तरीके से यूज मत करो जो मर्जी आपकी वो कर लो तो मैं केवल सोल्यूशन आपको समझा रहा हूं कि भाई 2s का मान कितना आया है 20 गुणे दस तो s इक्वल टू बीस गुणे दस बटे दो सो सो ओके आंसर आपका आएगा कितना 10 की पावर टू यानी कि हंड्रेड आ जाएगा डन पहली एक्सरसाइज हमने कर लिया पूरी इलेवन बी देखिए श्रेणी का पंद्रवा पद भाई ए पी बन रही है दो तीन पांच आठ तो कुछ करना है नहीं आपसे पद तो निकालते बनते होंगे टाइम पास क्वेश्चन नहीं करेंगे ए और डी दिया है पचासवा पद भी निकाल लेंगे अगला देखिए कौन सी श्रेणी दिख रही है भाई साहब टू प्लस वन और वन मतलब कॉमन अंतर कितना है माइनस वन और इसका बीसवा पद आपको निकालना है तो बीसवा पद भी आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं देन देखिए अगली श्रेणी ए प्लस बी ए माइनस टू बी तो कितने का सर्वांतर बन रहा है भाई साहब सर्वांतर बन रहा है माइनस थ्री बी का और इसका आपको एन प्लस वनवा पद निकालना है तो एन प्लस वनवा पद भी बड़ा इसके आराम से निकाल सकते हैं अगला क्वेश्चन है उस समान श्रेणी का सोलवा पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद पांच है सर्वांतर दो है भाई साहब प्र, प्रथम है, सर्वांतर दो है सो so सिंपल सोलवा पद सोलह पद कितना होगा ए प्लस सोलह माइनस वन टू डी मतलब ए प्लस पंद्रह डी और ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर निकाल सकते हैं अगला है श्रेणी चार सात दस का कौन सा पद एक सौ अड़तालीस होगा लो श्रेणी क्या दी है चार सात और दस बोल रहा कौन सा पद एक सौ अड़तालीस होगा मान लिया एनवा पद एक सौ अड़तालीस होगा हल कर लीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक्सौ अड़तालीस एन का वैल्यू उनचास फोर्टी नाइन आ जाएगा देन इस श्रेणी का कौन सा पद अंठानवे होगा फिर से फोर नाइन्टी एट होगा तो आपने एनवा पद मान लिया कि इसका एनवा पद जो होगा फोर नाइन्टी एट होगा और वैल्यू फाइंड कर लीजिए देखिए अगला क्वेश्चन हम उन्हीं क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे इजी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं खराब करूंगा मेरा मकसद है आपको कुछ नया सिखाना पुराना क्या सीखोगे भाई पुराना तो सब बनता है उसमें टाइम क्यों खराब करना अगला क्वेश्चन इस श्रेणी का यदि अंतिम पद शून्य है तो पदों की संख्या ज्ञात करो देखो अंतिम पद कितना दिया गया शून्य हम्म तो भाई साहब सबसे पहले आपको इसका अंतिम पद जीरो दे दिया गया है लो जीरो दे दिया है मतलब क्या मान के चलो एनवा पद बराबर जीरो है और टी एन बराबर जीरो लेकर के एन की वैल्यू याद कर लो तो कितना आ जाएगा आंसर आपका दस अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है श्रेणी इतने 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 में पदों की संख्या ज्ञात करो सो सिंपल है आखिरी पद कितना दिया है 89 तो आखिरी पद 89 लेकर के हल कर लो आंसर आ जाएगा आंसर आ रहा है एन इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अनुक्रम इतने का अंतिम पद माइनस चौबीस है तो पदों की संख्या फिर से वही कंसेप्ट लगाना है आपको है ना और सॉल्व कर लीजिए समांतर श्रेणी दो छः दस छियासी का अंतिम पद अंतिम से पंद्रहवाँ पद देखो भाई साहब ये नया क्वेश्चन आया है है ना यहाँ पे थोड़ा वेट कराऊंगा आपको मैं दो छः दस छियासी का अंतिम से पंद्रहवाँ पद तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि अगर कभी अंतिम से पंद्रहवा पद ज्ञात करना पड़े तो सीरीज को आप पलट लिया करो सीरीज को आप पलट लो तो ये जो सीरीज है दो के बाद चार चार के बाद चार, दो में चार जुड़ हो गया, तो आ गया, प्लस चार दस आ गया तो इस सीरीज को यदि पलट करके लिखोगे इसलिए तो छियासी में से चार कम करोगे तो एट्टी टू एटी टू में से चार कम करोगे तो सेवेंटी एट इस तरीके से ये सीरीज आएगी और शुरुआत से इधर से सर्वांतर कितना था चार था बट इधर से सर्वांतर कितना हो जाएगा माइनस चार याद रखना इस बात को इधर से सर्वांतर चार था और इधर से सर्वांतर कितना हो जाएगा माइनस चार अब आपको अंत से पंद्रहवाँ पद निकालना है तो इस सीरीज़ के उल्टे से चल रहा है ना तो यहीं से पंद्रहवाँ पद निकाल दो तो कितना लेगा अगर पंद्रहवाँ पद पंद्रहवा पद निकलेगा ए प्लस पंद्रह माइनस वन डी बोले तो ए प्लस चौदह डी ए की वैल्यू कितनी है छियासी चौदह तो चौदह है डी की वैल्यू कितनी है डी की वैल्यू है माइनस का चार तो छियासी माइनस छप्पन आंसर कितना आ गया तीस तो डायरेक्ट मेथड ये कर लो और दूसरा तरीका होता है कि अंत से पंद्रहवा पद बराबर प्रारंभ से एन माइनस आर प्लस वन थर्म ये भी हुआ करता है बट इसके चक्कर में मत पढ़ो ओके इसके चक्कर में आप मत पढ़ो कि अंत सीधे आप जो मेथड मैंने आपको सिखाया वो याद कर लीजिए आप एक समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद थ्री एक्स प्लस टू और एट है तो श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए भाई साहब देखिए हमारे पास जो है थ्री एक्स है एक्स प्लस टू है और एट है तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अगला माइनस पिछला इक्वल टू अगला माइनस पिछला करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए एक्स की वैल्यू आ गई कितनी माइनस फोर और माइनस फोर पुट करके ये तीन पदों की वैल्यू निकाल लीजिए और तीन पदों की वैल्यू निकालने के बाद अगला पद क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस आप जोड़ दीजिए कॉमन डिफरेंस आपके पास में कितना है दस तो दस जोड़ते दे जाइए देखो आपके पास पद कितने निकले हैं कौन सा क्वेश्चन सातवें प्रॉब्लम है क्या चलो देखो समांतर श्रेणी दो छह दस छियासी का अंत से पंद्रहवां पद आपको ज्ञात करना है दो छह छियासी का अंत से पंद्रहवां पद तो बेटा सीरीज को पलट लो बेटा आप सीरीज को पलट लो अंत से पीछे से पंद्रहवा पद निकालना है तो आप सीरीज को पलट लीजिए है ना तो अगर आप सीरीज को पलट लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा सीरीज को पलटने से देखो क्या क्वेश्चन था दो के बाद छ के बाद दस के बाद छियासी दो के बाद छः छः के बाद दस और दस के बाद आपके पास है क्या छियासी तो बेटा छियासी के पहले क्या आया होगा बोलो चार का गैप है ना तो बयासी आया होगा और कह रहा पीछे से पंद्रहवा पद निकालना है तो अपन क्या करते हैं अपन सीरीज को ही पलट लेते हैं तो छियासी बयासी ऐसे करते 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 करते, करते दस छः दो बोलो इसका सर्वांतर कितना है बेटा डी इक्वल टू माइनस फोर दिख रहा है हाँ अब इसका निकालना है अंत से कौन सा पद पंद्रहवा पद ना तो अंत से इसमें बोला गया कौन सा पंद्रहवा पद चलो तो अब भैया अंत से पंद्रहवा पद इसका निकालना है हाँ एक सेकंड बेटा चलो भाई आपको अंत से पंद्रहवा पद निकालना है तो निकाल लो ए फिफ्टीन बराबर होता है ए प्लस फिफ्टीन माइनस वन इंटू डी तो ए का मान कितना है यहाँ पे एटी सिक्स प्लस पंद्रह माइनस वन मतलब कि चौदह और डी का मान कितना है माइनस चार तो एट्टी तो सिक्स और माइनस का कितना फिफ्टी सिक्स बराबर अब ठीक है ठीक ठीक है इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम कम दे रहा हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपने आप रुकूंगा ये देखो तो इसमें एक्स का मान याद कर लिया और एक्स का मान रखते जाओ तीन चौके माइनस का बारह और फिर यहाँ पे माइनस दो और फिर आठ और माइनस चार एड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें Uh, हमको चाहिए कौन सा पद चौथा पद तो चौथा पद आ गया है ए तो प्लस थ्री डी तो बारह प्लस डी का मान कितना आया अपने पास में टेन आया है सर्वांतर टेन आया है तो ए प्लस थ्री डीवल टू इतना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना अगला क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसका पांचवा पद पांच है तेरवा पद माइनस तीन है सो so सिंपल भाई पांचवा पद पांच दिया गया है मतलब टी फाइव बराबर पांच और टी थर्टीन बराबर माइनस थ्री तो दो समीकरण बना लो दोनों को हल कर लो आंसर आ जाएगा देख लो एक बार सोल्यूशन दो मिनट के लिए डन हाँ, मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन का टाइप देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या आप कर पाओगे तो फीलिंग क्या आई समझ में कि दो इक्वेशन है दोनों को हल करना आंसर निकाल लेना बस बन जाएगा अगला किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद बाइस और नवां पद चौदह है श्रेणी का सोलवा पद भाई सेम टू सेम कंसेप्ट है दो समीकरण बनेंगे ए और डी का वैल्यू निकालो और डी और डी का वैल्यू निकालने के बाद सोलवा पद निकाल लो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या साठ है प्रथम पद आठ अंतिम पद एक सौ पचासी है तो श्रेणी का एक पद देखो भाई बहुत सारी जानकारी दी है पदों की संख्या साठ है मतलब एन बराबर कितना है साठ है प्रथम पद एट है ए बराबर कितना है एट है और अंतिम पद एक सौ पचासी है पदों की संख्या साठ है और अंतिम पद एक सौ पचासी है मतलब साठवां पद कितना है भाई साहब एक सौ पचासी इसकी मदद से आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा और डी आ जाएगा तो आपको एक पद निकालना है तो वो भी निकाल लोगे देख लो एक बार अच्छे सेन यस yes. किसी समांतर श्रेणी का पहला पद एक है सर्वांतर तीन है एनवा पद तिरालीस है तो एन का मान याद कीजिए भाई पहला पद दिया है एक सर्वांतर तीन दिया है एनवा पद आपको कितना दिया फोर्टी थ्री दिया हुआ है ओके ए एन इक्वल टू फोर्टी थ्री है तो एन का मान आपको ज्ञात करना है तो सर्वा सब कुछ तो दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है आपको एन का मान आपको ज्ञात कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे किसी समांतर श्रेणी का बारहवा पद पांचवे पद से चौदह अधिक है दोनों पदों का योग छत्तीस है देखो दो इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे समांतर श्रेणी का बारहवा पद पांचवें पद से चौदह अधिक है मतलब 12वां पद कितना है टी बारह इक्वल टू पांचवें पद से चौदह अधिक यानी टी बारह बराबर टी पांच प्लस चौदह ओके तो एक तो समीकरण ये बना करके देगा आपको और दूसरा समीकरण क्या दिया है टी फाइव प्लस टी ट्वेल्व दोनों पदों का योग छत्तीस है तो दूसरा समीकरण आपको ये दे देगा तो दो समीकरण बन गए कर लो ए और डी निकालना है अगला क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी का दसवां पद दूसरे पद का चौगुना है और छठवें पद से बारह अधिक है दो समीकरण बन रहे हैं देखो भाई साहब दसवां पद दूसरे पद का चौगुना एक तो समीकरण ये बन गया और दूसरा दसवां पद छठवें पद से बारह अधिक है दो समीकरण बन गए ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिए तो आपकी श्रेणी बन जाएगी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का पांचवां पद दसवां और दसवां पद एक बटे हो तो श्रेणी का पचासवां पद ज्ञात करो देखो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बहुत मस्त ट्रिक है अगर किसी श्रेणी का एमवा पद एक बटे एन और एनवा पद एक बटे एम हो यहाँ पे वही हो रहा है पांचवा पद एक बटे दस और दसवां पद एक बटे पांच हो तो श्रेणी का एम गुणे एनवा पद कितना होता है बच्चों एक होता है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी तो आंसर यहाँ पे आएगा एक ये देखो और बाकी आपकी जो पुरानी मेथड है आप उससे सॉल्व करोगे बट मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी है आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हो कि अगर किसी श्रेणी का अगर कोई कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी ये शॉर्ट ट्रिक है कि कोई अगर आपके पास समांतर श्रेणी है जिसका एम पद एक बटे एन है और एन पद एक बटे एम है तो इसका एम इन टू एन पद जो होगा वो कितना होगा वन तो उस श्रेणी का एम एन वा पद वन होता है यहाँ पे यही पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यदि श्रेणी तीन दस इतना कि एनवे पद बराबर है दो श्रेणी आपके पास हैं ये और ये कह रहा कि इसके एनवे पद बराबर हैं तो एन का मान याद कीजिए तो पहले का एनवा पद निकाल लो दूसरे का एनवा पद निकाल लो दोनों को बराबर कर दो और दोनों को बराबर करने के बाद आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी सो so सिंपल अगला क्वेश्चन अगर किसी समांतर श्रेणी के लिए एम पद का एम गुना एनवे पद के एन गुने के बराबर है मतलब क्या कह रहा है ये किसी श्रेणी के एम वे पद का एम गुना मतलब एम वे पद का एम गुना एम टाइम्स ऑफ ए एम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए एन ओके तो उस श्रेणी का एम प्लस एन वा टर्म्स कितना होगा जीरो होगा तो एम प्लस एन इक्वल टू कितना होगा ज़ीरो अब ये इस क्वेश्चन को मैं आपको करने को मौका दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चलिए उठाइए कॉपी किताब और कलम और शुरू हो जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चलो भाई शुरू हो जाओ दो मिनट आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो तो अब योग वाले क्वेश्चंस करते हैं देखिए कह रहा है कि सबसे पहले आपको श्रेणी के कुछ पदों का योग निकालना है सो सो सिंपल एस एन का फार्मूला आप जानते हैं एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ये फार्मूला इसमें लग जाएगा तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ईज़ी है अगला क्वेश्चन माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन तो भाई साहब देखो इसमें क्या जोड़ रहा है छह जोड़ता जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस छः की सीरीज है ऐड कर दो आंसर आ जाएगा सोलह पदों तक का योग ज्ञात करना है तो फार्मूला लगा दीजिए सोलह पदों तक का आंसर आ जाएगा अगले में देखो भाई साहब क्या चमत्कार है वन पॉइंट फाइव वन प्लस वन पॉइंट फाइव टू मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन का कॉमन डिफरेंस है ऐड करते जाओ आ जाएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक सा दिखता हुआ तीन बटे रूट पाँच चार बटे रूट पाँच तो एक बटे रूट पाँच का कॉमन डिफरेंस आया है बट चार बटे रूट पाँच के बाद पाँच रूट पांच दे दिया है तो देख के घबराइए मत अगर आप चार बटे रूट पाँच में एक बटे रूट पाँच जोड़ेंगे तो कितना आएगा पांच बटे रूट पांच आएगा जिसको आप तोड़ फोड़ करके लिख सकते हो रूट पाँच तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल सही है ये हो गया अगला ए माइनस थ्री बी इतने के चालीस पदों का योग ज्ञात कीजिए देखो भाई सीरीज में क्या क्या है कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो तो ए एड हो गया है और थ्री बी से टू बी फाइव बी पहुँचे हो तो माइनस टू बी और अगले में फिर एड हो गया मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है ए माइनस टू बी इस सीरीज़ में बस तो लगा दो कितने पदों का योग है चालीस पदों का योग फार्मूला लगा दो देख लो एक मिनट के लिए आराम से देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो इसमें कह रहा है वन प्लस वन माइनस वन बाई एन वन माइनस टू बाई एन का एन पदों तक योग ज्ञात करो क्या दिख रहा है हर बार आपके पास वन बाई एन माइनस कर रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस आपके पास वन माइनस वन बाई एन है क्योंकि हर बार माइनस वन बाई एन एड कर रहा है सीरीज में ठीक है ना तो कॉमन डिफरेंस को इसमें पहचानिए दिस क्वेश्चन इज गुड ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है सो so, यहाँ पे वन प्लस वन माइनस वन बाई एन फिर इसके बाद वन माइनस टू बाई एन वन माइनस थ्री बाई एन तो वन बाई एन वन बाई एन वन बाई एन जो है इसमें माइनस में जा रहा है ठीक है तो और कितने पद हैं एन पद हैं तो एन पदों तक का योग क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी डी का मान कितना है माइनस वन बाई एन तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा एन बाई टू टू वन या टू और माइनस वन बाई एन का मल्टीप्लाई एन के साथ होगा तो माइनस वन मिलेगा और वन बाई एन के साथ कितना देगा प्लस वन बाई एन दो में से एक कैंसिल हो गए तो एन बाई टू और ब्रैकेट में कितना मिल गया भाई साहब आपके पास में वन प्लस वन बाई एन जिसको हल करके एन से एन कैंसिल हो जाएगा और वन बाई टू एन प्लस वन आएगा इसको सॉल्व कीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट सौ से लेके दो सौ के बीच में सभी पूर्णांक सम तो भाई सौ से लेके दो सौ के बीच में टोटल कितने पूर्णांक हो गए एक सौ अंठानवे पद हैं और उनचास कुल पदों की संख्या कितनी उनचास है हल कर लीजिए कोई मुश्किल बात नहीं है सौ से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग तो एक से लेकर निन्यानवे तक तो विषम है तो कितनी होंगी पचास होंगी एक से निन्यानवे तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए एक से लेकर सौ के बीच में सभी पूर्णांक जो तीन का गुणज हो तो तीन की कहानी शुरू होती है तीन से जाती है निन्यानवे तक सभी के गुणज का सम निकालना है टोटल नंबर होते हैं तैतीस और तैंतीस तीन प्लस निन्यानवे हल करके निकाल लीजिए इस तरीके से पाँच से विभाज्य प्रथम पचास प्राकृत संख्याओं का योग याद कीजिए पाँच से जो विभाज्य है तो पाँच से विभाज्य क्या यहाँ पाँच से दस और प्रथम पचास तो पचासवीं कौन सी होगी पाँच गुणे पचास यानी कि दो सौ पचास तो बहुत ही सरल सवाल यार अल्ट्रा वाले सरल सवाल हैं इसको अभी मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ तो आप इसको करके कल आइएगा बड़े आराम से आपसे बनेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से श्रेणी बारह पंद्रह के कितने पदों का योगफल तीन सौ छह होगा भाई हमें पता नहीं तो हम मान लेंगे एन पदों का योगफल कितना होगा तीन सौ छह ये थोड़ा अच्छा सवाल है तो एन पदों का योगफल कितना होगा तीन सौ छह तो एन बाई टू, टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डीवल टू तीन सौ छह हल कर दिया एन बराबर माइनस सत्रह एन बराबर बारह तो माइनस सत्रह निगेटिव हो नहीं सकता तो आंसर कितना आएगा बारह आएगा अगला श्रेणी उनतालीस तैतीस सत्ताईस के कितने पदों का योगफल एक सौ चौवालीस है दोहरे उत्तर का कारण बताइए भाई तो देखिए उनतालीस तैतीस सत्ताईस के कितने पदों का योग मान लिया हमने एन पदों का योग दो एक सौ चौवालीस है एन बाई तो टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू तो डी इक्वल टू एक सौ चवालीस हल करके एन के दो मान आते हैं छ और आठ दो उत्तर आ रहे हैं ओके छः और आठ तो दोहरे उत्तर का कारण क्या है ये दिया गया नीचे कि छः तक का योग एक सौ चवालीस हो गया था अब इसके बाद जो सातवां पद और जो आठवां पद आया है दोनों का योग कितना आ रहा है दोनों का योग जीरो हो रहा है एक है तीन और एक है माइनस तीन तो दोनों को ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा इसलिए टोटल इसका योग कितना आएगा एक सौ चवालीस आएगा हाँ कोई कुछ पूछना चाहता है चलो अगला क्वेश्चन है श्रेणी इतने के कुछ पदों का योगफल एक सौ सोलह है अंतिम पद तथा पदों की संख्या याद करो देखो इतने के पदों का योगफल 116 है तो 116 दिया है तो मान लो एन पद हैं एन पदों का योगफल 116 है तो पदों की संख्या आ जाएगी यहां से पदों की संख्या दो आ रही है एक आठ और उनतीस बटे तीन तो उनतीस बटे तीन तो कभी पद होता नहीं है मतलब पद कितना हो गया आठ हो गए अब कह रहा अंतिम पद क्या होगा तो अंतिम पद आठवा ही पद होगा क्योंकि पदों की संख्या आठ आई है तो अंतिम पद भी कौन सा होगा आठवा ही पद होगा है ना तो ये लो जी अंतिम पद भी हो गया आठ अगला क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद एक अंतिम पद ग्यारह योग छत्तीस है पदों की संख्या और सर्वान्तर ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक अंतिम पद ग्यारह है योग छत्तीस है सब कुछ दिया है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तो बेस्ट तरीका क्या होता है एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगाइए एन आ जाएगा एन आपके पास आ गया छः अब अंतिम पद आपको ग्यारह दिया हुआ है तो छठवा पद बराबर ग्यारह लेकर के डी का मान ज्ञात कर लीजिए सो सिंपल गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग 136 सौ छत्तीस सर्वांतर चार और अंतिम पद 131 है अंतिम पद इकतीस है तो एन का मान ज्ञात कीजिए एन पदों का योग 136 सौ छत्तीस है सर्वान्तर चार है अंतिम पद इकतीस है एन पदों का योग दिया हुआ है सर्वान्तर दिया गया है और अंतिम पद दिया हुआ है हम्म तो कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए देखिए विशेष बात यहाँ पर यह है कि आपको एन पदों का योग तो दे दिया गया है अंतिम पद दे दिया गया है परंतु ए नहीं दिया गया है अंतिम पद इकतीस है तो एन की टर्म्स में आप अंतिम पद निकालेंगे तो कैसे निकलेगा अंतिम पद इकतीस है तो आप लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए एन कितना है इक्तीस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है ना तो एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है फोर है तो आपके पास में यहाँ ए आ गया है ओके okay. ए आ गया कितना थर्टी फाइव माइनस फोर एन अब इसके बाद कह रहा है कि एन पदों का योग एक सौ छत्तीस है तो एन पदों का योग एक सौ छत्तीस तो एक सौ छत्तीस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ए आपके पास आ चुका है ए की वैल्यू आपने निकाल ली है और एल की वैल्यू कितनी थी इकतीस थी एल की वैल्यू इकतीस थी तो इसको हल करके आपके पास एक समीकरण बनेगा और एन का मान आ जाएगा आपके पास में एन का मान दो आ गए हैं एक आया है आठ एक आया है सत्रह बटे दो तो करेक्ट आंसर होगा आठ तो दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मैं कहूंगा गुड थोड़ा सा अच्छा है ये क्वेश्चन आपको थोड़ी प्रॉब्लम में डालेगा सो आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन फॉर योर टेस्ट पेपर तो इसकी स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन जरूर करके रखिए डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक समांतर श्रेणी के तीस पदों का योग इतना है अंतिम पद अंठानवे है भाई अंतिम पद मतलब कि एनवा पद श्रेणी के प्रथम पद और सर्वंतर ज्ञात कीजिए अंतिम पद दिया हुआ है और तीस पदों का योग दिया हुआ है बहुत बढ़िया तो फार्मूला लग जाएगा डायरेक्टली तो आपके पास पहला पद तो आ ही जाएगा ए बाई टू एल प्लस एन से पहला पद आ गया अब पहला पद आने के बाद आपको सर्वंतर निकालना है तो वो भी बड़े आराम से आप निकाल लोगे क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का कंसेप्ट लगा करके सर्वांतर निकाल लो अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद अठारह सातवां पद तीस और श्रेणी के सत्रह पदों का योग ज्ञात कीजिए तीसरा अठारह है सातवां तीस है तो क्या है भाई ए और डी निकाल लो और सत्रह पदों का युग निकाल लो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है किसी श्रेणी के पंद्रह पदों का योगफल तीस है तीस पदों का योगफल पंद्रह है तो उस श्रेणी के पैंतालीस पदों का योगफल भाई दो समीकरण बनेंगे ए और डी में दोनों समीकरणों को बना करके हल कर लो ए और डी का माना जाएगा उसके बाद में आपको पैंतालीस पदों का योगफल आ जाएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन उस समांतर श्रेणी के पंद्रह पदों का योग कीजिए जिसका एनवा पद चार एन प्लस एक है देखो भाई साहब मजे की बात है चार एन प्लस एक, तो इसका आपको पदों का योग याद करना है जिसका पद चार एन प्लस एक है ठीक है ना तो मैं क्या करूंगा पंद्रह पदों का योग ना तो एस पंद्रह बराबर एन बाई टू पंद्रह बटे दो पहला पद प्लस पंद्रह पद तो पहले पद के लिए एन की जगह क्या रख दो एक रख दो चार एक चार प्लस एक कितना तो हो गया पांच और पंद्रहवें पद के लिए यानी की जगह पंद्रह रख दो तो चार गुणे पंद्रह कितना हो गया साठ और साठ प्लस एक कितना हो गया इकसठ तो आंसर पंद्रह बटे दो और इकसठ प्लस पाँच कितना हुआ सिक्सटी सिक्स काटो भाई साहब तो कितना हुआ थर्टी थ्री इंटू पंद्रह तो इसका आंसर आएगा थर्टी थ्री इंटू पंद्रह वट एवर जो भी आंसर आएगा थर्टी थ्री इंटू पंद्रह आएगा कितना सॉल्व किया हाँ लियो चार सौ पंचानवे आ रहा आंसर तो मैंने ऐसे कर लिया है हाँ इन्होंने भी ऐसे ही किया है बट डी वी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार मुझे डी की कोई जरूरत ही नहीं है इन लोगों ने क्या किया भाई साहब ए प्लस डी टी टू इक्वल टू एट प्लस वन इक्वल टू नाइन अच्छा 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 ठीक है पहला पद निकाल लिया दूसरा पद निकाल लिया वैसे कर लिया अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल इतना है तो श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए भाई प्रथम पद क्या होता है एस वन बराबर ए वन ही तो होता है ओके और एस टू बराबर होता है ए वन प्लस ए टू तो इससे आप एस वन निकाल लो S1 के बाद A2 निकाल दो और से yes. अगला दिया गया तो एक्स का मान गया ज्ञात कीजिए देखिए कुल पदों का योग कितना दिया गया एक सौ पचपन अब सबसे पहले ये पता करो कि नंबर ऑफ पद कितने हैं नंबर ऑफ पद कितने हैं तो देखिए एक्स प्लस वन से शुरू हो रहा है पहला पद एक्स प्लस वन है और अंतिम पद एक्स प्लस अट्ठाइस है तो एक्स प्लस अट्ठाईस को लेके पदों की संख्या आपने n निकाल ली अब उसके बाद कुल पदों का योग कितना है 155 तो 10 पदों का योग जो है 155 दे रखा आपको तो फॉर्मूला लगा दीजिए और आपके पास x का मान आ जाएगा यस अगर किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग प्रथम पी पदों का योगफल क्यू प्रथम सॉरी प्रथम पी पदों का योगफल प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर है तो आपको बताना है कि पी प्लस क्यू पद का योगफल क्या होगा मतलब कंडीशन क्या दी गई है कि प्रथम पी पद का योगफल जो है प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर है तो आपको बताना है कि पी प्लस क्यू का योगफल क्या होगा शॉर्ट ट्रिक से बताई जाए तो इसका आंसर जीरो आता है और अब आप इसको सॉल्व करिए पूरा सॉल्व करिए आपके पास वक्त है कि प्रथम पी पदों का योगफल प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर है तो आपको बताना है कि पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा अच्छा क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए यह क्वेश्चन टेस्ट में देने लायक है सो आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन एंड रेडी फॉर द टेस्ट ये टेस्ट में आएगा देखिए कह रहा है कि पी पदों प्रथम पी पदों का योग प्रथम क्यू पदों के योग पे बराबर है तो एस पी बराबर एस क्यू अब एस पी बराबर एस क्यू करने के बाद आपके पास इसका जो फॉर्मूला होता है पी बाय टू टू ए प्लस पी माइनस वन d डी इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन टू डी हल कर लो टू से टू को सबसे पहले कैंसिल कर दो ओके टू को टू से आपने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया अब आपके पास क्या बन जाएगा ये आप इसको हल करोगे तो बन जाएगा टू ए पी और ब्रैकेट में पी इं टू पी माइनस वन इं डी और ये बन जाएगा टू ए क्यू ब्रैकेट में क्यू इं क्यू माइनस वन इंटू डी बस इधर उधर ला करके सॉल्व कर लो और लास्ट में आपके पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो आएगा और पी प्लस क्यू पदों का योग ये होता है तो इसका मान जीरो पुट कर दोगे तो कुल आंसर कितना आ जाएगा जीरो समझ में आया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद द्वितीय पद और अंतिम पद क्रमशः ए बी और टू ए हैं तो दर्शाइए है कि उसका योग थ्री ए बी अपॉन टू बी माइनस ए तो देखो भैया प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो सबसे पहले और इसके बाद अंतिम पद आपको दिया गया है कितना टू ए तो उससे एन निकाल लो ये एन आ गया अब इसके बाद एन पदों का योग कितना होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल तो एन बाई टू ए प्लस एल का मान रख दीजिए ये आ जाएगा सो so, ये भी क्वेश्चन जो है गुड क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड ए गुड क्वेश्चन ये भी टेस्ट पेपर में आने लायक क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम द्वितीय तथा अंतिम पद जो है एक्स वाई जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल जो है इतना होगा तो प्रथम पद दिया है एक्स द्वितीय पद दिया है ए प्लस डी इक्वल टू वाई ओके और तो डी निकाल लो यहाँ से और दूसरा इसके बाद जो है आपको एनवा पद दिया है कितना जेड दिया है एनवा पद आपको जेड दिया है तो उससे एन के मान ज्ञात कर लीजिए और एन का मान ज्ञात करने के बाद आप इसको कुल योगफल एन पदों तक का आप योगफल ज्ञात कर लीजिए है ना एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू टू ए प्लस एल याद कर लीजिए चलिए एक मिनट लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है और आराम आराम से इसको सॉल्व कीजिए एक मिनट दिया आपको इसमें दिया क्या है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद द्वितीय पद और अंतिम पद आपके पास में एक्स वाई और जेड है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वान्तर निकाल लिया आपने कितना डी अगला माइनस पिछला वाई माइनस एक्स करके फिर इसके बाद जेड इक्वल टू कितना है ए प्लस एन माइनस वन इन डी है तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके जेड का इस्तेमाल करके आप एन निकाल लेंगे ठीक है ना एन आ गया आपके पास में ये देखो एन आ गया अब एन का मान ज्ञात करने के बाद आपको कुल एन पदों का योगफल चाहिए है तो बस लगा दो एन पदों का योगफल एन बाई टू ए प्लस एन लगा दो तो ये आ जाएगा अगला क्वेश्चन ट्वेंटी यदि किसी समांतर श्रेणी के एन टू एन थ्री एन पदों का योगफल S1, एस वन एस टू एस थ्री है तो सिद्ध करो कि एस थ्री इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एस टू माइनस एस वन ठीक है ना तो एस वन क्या है एन पदों का योग प्रथम एन पदों का योग एस टू क्या है प्रथम टू एन पदों का योग एस थ्री क्या है प्रथम थ्री एन पदों का योग देन इसके बाद आपको साबित करना है कि थ्री एस टू माइनस एस वन इक्वल टू कितना आएगा एस थ्री आता है तो चलिए इसको हल कीजिए अच्छा क्वेश्चन है ये ओके गुड गुड क्वेश्चन है ये और ये टेस्ट में आने के लिए पात्र रखता है क्वेश्चन ओके नोट करिए इसको चलिए सॉल्व करिए तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के एन टू एन थ्री एन पदों का योग एस वन एस टू एस थ्री है तो एस थ्री जो होता है एस थ्री जो होता है दैट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एस टू माइनस एस वन यस चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है अगर यदि तीन समांतर श्रेणियाँ के एन पदों के योगफल जिनके प्रथम पद क्रमशः एक दो तीन और सर्वांतर एक तीन पाँच हैं क्रमशः एस वन एस टू एस थ्री हैं है, तो सिद्ध करो कि एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री इक्वल टू थ्री बाई टू एन इन टू थ्री एन प्लस वन भाई सो so सिंपल एन पदों का योगफल है और प्रथम पद भी दिया है और सर्वांतर भी दिया है तो एस वन क्या है ऐसी सीरीज जिसका प्रथम पद एक है सर्वांतर भी एक है तो निकाल लीजिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी से पहला एस वन एस टू क्या है प्रथम पद भी दो है और सर्वांतर कितना है भाई सर्वांतर दे रखा है तो ये निकाल लो एस टू और एस थी प्रथम पद तीन है और सर्वांतर पांच है तो ये निकाल लिया और तीनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा थ्री एन प्लस वन और थ्री एन बाई टू तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको बट इजी क्वेश्चन है आधे पेजेस हमने कर लिए हैं ट्वेंटी टू पेजेस की फाइल है जिसमें आधे से कर लिए है अगला क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफल का अनुपात टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन है तो उसके पंद्रह पदों का अनुपात आपको ज्ञात करना है ठीक है ना तो आपको योग दिया गया है और योग से आपको निकालना है योग से आपको क्या निकालना है पदों का अनुपात निकालना है ठीक है ना योग का अनुपात आपको दिया गया है और आपको पदों का अनुपात निकालना है तो ऐसेन योग का अनुपात आपको दिया गया है और आपको पदों का अनुपात निकालना है <coughs> चलिए हल करिए इसको आपके बुक का भी क्वेश्चन है तो दो समांतर श्रेणियों के योग का अनुपात निकाल लीजिए देखिए इस तरीके से एस एन वन अपॉन एस एन टू इक्वल टू टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन एन बाई वन बाई टू कॉमन लेकर के ये स्ट्रक्चर बना लीजिए और अब आप जानते हैं क्योंकि आपको कह रहा है पंद्रह पदों का अनुपात तो पंद्रहवे पद का अनुपात क्या होगा ए प्लस फोर्टी डी मतलब वन अपॉन टू एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्टीन यानी एन माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी एट एन इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पुट करना पड़ेगा और एन इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पुट करने पर ये आ जाएगा तो इस तरीके से करते हैं और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है मैं वो आपको बता देता हूँ देखिए अगर आपको एन पदों के योग फल का अनुपात दिया गया हो और आपको योग फल के अनुपात से पदों का अनुपात चाहिए हो ठीक है ना तो योगफल का अनुपात कितना दिया है टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन चलो इसको करते हैं अपन सॉल्व तो इसमें योग फल का अनुपात कितना दिया गया है एस एन इक्वल टू टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन एन प्लस सेवन और आपको क्या चाहिए है? आपको पंद्रहवें पदों का योग फल का अनुपात चाहिए है पंद्रहवें पदों के योग फल का अनुपात तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे पंद्रहवें पदों के योग फल का अनुपात देखो इसके लिए ट्रिक होती है आपके पास जो यहाँ पे n होता है n को 2n एन माइनस से रिप्लेस कर दो तो जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दो 2n एन माइनस तो एस एन अगर आपको अनुपात चाहिए है एन अपॉन एड एस एन का तो 2 इन टू मैंने क्या कहा 2n एन माइनस और माइनस का 5 और नीचे भी n की जगह 2n एन माइनस और प्लस का सेवन तो टू टू सा कितना हो गया फोर एन माइनस टू और माइनस का फाइव और टू एन सेवन में से एक गए कितना हो गया 6. तो कितना गया सिक्स तो ऊपर कितना बच फोर एन माइनस और दो सात और नीचे कितना बच गया टू एन माइनस का छः ये बच चुका है अपने पास में तो अब हमको कितने अनुपात चाहिए पंद्रह पदों का तो पंद्रह रख दो एन की जगह पंद्रह रख दो पंद्रह तो चौके साठ साठ माइनस साठ यानी कि सिक्सटी थ्री और नीचे भी पंद्रह दो गुणे पंद्रह तीस और तीस में से छः गए मतलब कितना होता है चौबीस ओके तो तीन से पढ़ते हैं पहाड़ा तीन का टेबल देखते हैं तो तीन से इक्कीस बार और तीन से आठ बार तो इक्कीस ट्वेंटी वन बाई एट आना चाहिए इसका आंसर अगर हम सही हैं तो इसका आंसर ट्वेंटी वन बाई एट आएगा गलत आ रहा है ट्वेंटी वन बाई एट नहीं आ रहा है एक बार फिर से टू एन माइनस फाइव और एन प्लस सेवन और अपन को टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन एक बार फिर से चेक करता हूं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने हमारे पास जो दिया गया है पद योग फलों का अनुपात दिया है टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन तो एस एन वन अपॉन एस एन टू इक्वल टू टू एन माइनस फाइव अपॉन एन प्लस सेवन ये दिया है योग फलों का अनुपात और हमको पंद्रहवें पदों का अनुपात निकालना है ठीक ना एन पदों के योगफल का अनुपात इतना दिया गया और हमको पंद्रहवें पदों का अनुपात निकालना है तो ट्रिक क्या कहती है ट्रिक कहती है कि जहाँ जहाँ एन है रिप्लेस कर दो टू एन माइनस वन से तो टू एन की जगह टू एन माइनस वन और माइनस फाइव तो है ही है और एन की जगह यहाँ पे टू एन माइनस वन और प्लस का सेवन अब हल करता हूँ मैं तो ये टू टू जा फोर एन माइनस का टू माइनस का फाइव और यहाँ पे टू एन और माइनस का वन प्लस का सेवन तो ऊपर बनेगा फोर एन माइनस सेवन और नीचे बनेगा टू एन प्लस का सिक्स अब हमें चाहिए है पंद्रहवें पद का अनुपात तो एन की जगह पे पंद्रह रख दो तो चार गुणे पंद्रह माइनस सात और दो गुणे पंद्रह प्लस का छः तो चार गुणे पंद्रह पंद्रह चूँकि साठ ओ भाई साहब गलती हो रही थी पहले तो साठ में से सात गए तो ऊपर बचा फिफ्टी थ्री और नीचे दो गुणे पंद्रह तीस प्लस छः छत्तीस तो तिरपन बटे छत्तीस चेक करते हैं फिफ्टी थ्री बाई थर्टी सिक्स वो बिल्कुल सही है तो ट्रिक एकदम काम कर रही है तो याद रखिएगा जब आपके पास योग का अनुपात दिया हो एस वन एस अपॉन एस डैस दिया हो आपके पास में और आपको ए अपॉन ए डैस मतलब पदों का अनुपात चाहिए हो तो क्या करना पड़ता है जहाँ पे एन होता है वहाँ पे आपको क्या रिप्लेस करना पड़ता है टू एन माइनस वन बस ये ट्रिक याद रखिए तो इससे कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन आप उखाड़ फेंकेंगे तो एन की जगह आपको क्या करना पड़ता है टू एन माइनस वन सिमिलरली यही क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है तो आपको एन की जगह पर क्या पुट करना है टू एन माइनस वन पुट करना है इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है अगर किसी <coughs> अगला क्वेश्चन भी शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा सीधे इसको आपको करना है बुक में दिया गया है कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के एम और एन पदों का अनुपात एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो ओके तो आपको बताना है कि इसके एम और एन पदों का अनुपात कितना होगा टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन यस तो इसको सॉल्व करके लाइए मैंने आज तीन एक्सरसाइज करा दिए हैं बारह पेजेस हो गए हैं और अब टेन पेजेस बचे हुए हैं इसको कल आप यदि करके लेके आते हैं तो इसके आगे के टेन पेजेस मैं कल से कराऊंगा जब यदि आप लोग इसको पूरा कर लेंगे चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं धन्यवाद बाय बाय